Eid Mubarak to all of you. Today, I am going to tell you about Eid ul-Adha. This festival celebrates the spirit of sacrifice that Prophet Ibrahim was prepared to make to abide by the commands of God. Every year, Eid is celebrated to pay a tribute to Prophet Ibrahim's unwavering devotion to God, who is the benefactor of all. Let's celebrate this festival of sacrifice by vowing to make our lives meaningful and useful to others. Ibrahim did succeed in doing his great deed, what he was ordered by God, his Allah, his Lord. He was ordered to sacrifice his son deer, which he had to beard, and was put to test, achieve the result best. Let us all celebrate this day, and every one of us must pray. May soon come the day when truth spread everywhere. Here I with my reed salute Ibrahim's great deed, and wish to everyone a happy Eid. दीदी, अभी मेरी हुसैदा से बात चल रही थी। उसने मुझे बताया कि 1 अगस्त को उनका ईद का त्यौहार है और उस दिन उसके घर में कुर्बानी दी जाएगी। तो दीदी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कुर्बानी होती क्या है और क्यों दी जाती है। आओ मैं बताऊं। दुनिया में जितने भी त्यौहार हैं, उनके पीछे कोई ना कोई यादगार जरूर होती है। जैसे हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण भैया 14 वर्ष के वनवास पूरा करके लौटे थे। उसी तरह ईद को भी एक यादगार के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक कुर्बानी की घटना पर आधारित है। दीदी, मुझे भी बताओ ना इस कुर्बानी की घटना के बारे में। हाँ, एक बार की बात है, इस्लाम धर्म के प्रचारक इब्राहिम जी की खुदा ने परीक्षा ली। इस परीक्षा में खुदा ने उनसे उनकी सबसे अनमोल चीज मांगी। अब क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनके बच्चों से ज्यादा कोई अनमोल नहीं होता, इसलिए इब्राहिम जी ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का निश्चय किया। खुदा ने भी कुर्बानी लेने के लिए अंतिम समय तक इंतजार किया, और जब खुदा ने इब्राहिम जी को अपने इरादे में पक्का पाया, तब उन्होंने उनके बेटे को बचाया और उसकी जगह स्वर्ग से एक भेड़ भेजी और इब्राहिम जी को हुक्म दिया कि इस भेड़ को कुर्बान किया जाए। फिर इब्राहिम जी ने उस भेड़ की कुर्बानी दी और तब से अब तक यह एक परंपरा चली आ रही है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हर साल ईद पर कुर्बानी करते हैं और गरीबों में बांटते हैं। अच्छा, तो मेरे अब समझ में आया कि कुर्बानी क्यों दी जाती है। दीदी, इसका मतलब ईसाई और सिख धर्म के त्योहारों के पीछे भी कोई यादगार होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए। देखा हजरत इब्राहिम ने ऐसा, कुर्बान कर रहा हूँ ख्वाब में बेटा। देखा हजरत इब्राहिम ने ऐसा, कुर्बान कर रहा हूँ ख्वाब में बेटा। बेटे ने ख्वाब सुना जब बाप का, बाप ने पूछा क्या इरादा आपका। बेटे ने ख्वाब सुना जब बाप का, बाप ने पूछा क्या इरादा आपका। बेटे ने सर को झुकाया यही कहकर, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए। करने कुर्बान बेटे को लिटाया, खंजर गले पे जैसे ही चलाया। करने कुर्बान बेटे को लिटाया, खंजर गले पे जैसे ही चलाया। रब को वफा ये पसंद आ गई, रब की तरफ से निदा आ गई। रब को वफा ये पसंद आ गई, रब की तरफ से निदा आ गई। मेंढा है हाजिर इसको ज़बह कर, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए। ईद उल अज़हा का है बस यही पैगाम,
रब के रजा में हो जान भी कुर्बान, ईद उल अजा का है बस यही पैगाम, रब की रजा में हो जान भी कुर्बान। So, my dear friends, this day teaches us the lesson of ultimate sacrifice of our most valuable possession to show our love and trust in the Almighty of God. It also urges us to donate precious things to others in order to strengthen relationships and friendships and to take care of the needy and poor. We, the teachers and students of Bal Bharati Public School, Nilbar, resolve on this pious day to submit in the will of God and to follow the path shown by Him. Thank you and Eid Mubarak.